अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। आज मेरे बच्चे सुबह सुबह उठे हैं, मैंने कहा मैं पराठा बना के दूँ, तो ये कहते नहीं मैंने पराठा नहीं खाना, हमने खाने हैं जनाब पूरा नमक वाला। ज़ैनब कहती है मैंने खुद बनानी है, उसको अच्छा लगा है वो कुकिंग, तो मैंने कहा चलो ओके बना लो। तो ज़ैनब आपको मैं मिलाती हूँ ज़ैनब के साथ, ज़ैनब पहले आपके साथ हेलो हेलो करेगी, उसके बाद आपको बताएगी इसमें क्या क्या डालेगी। आप ठीक हो? नमक वाला पूड़ा बना रहे हो आप? अच्छा जी, ज़ैनब बना रही है नमक वाला पूड़ा। आएगी, चलें ज़ैनब, इसमें क्या क्या डालेंगी आप, क्या क्या चीज़ें चाहिए आपको, क्या क्या है नाम बताओ। आटा, नमक, पानी, आटा नमक और पानी और ऑयल चाहिए होगा आपको। तो चलें ज़ैनब अपनी रेसिपी स्टार्ट करती हैं। चलें ज़ैनब, क्या क्या डालेंगी आप? सबसे पहले क्या डालेंगे? सबसे पहले ज़ैनब आटा डाल रही हैं जी, 2, 3 और 4 चम्मच ज़ैनब ने आटा डाला है। ज़ैनब ने 2 शनियाँ बनानी हैं। किसके किसके लिए बनानी है आपने? अब्दुल्ला और मैं। हाँ जी, अपने छोटे भाई के लिए बना रही है। और अच्छा, इसके बाद अभी आप क्या डालेंगी आप इसमें? नमक डालेंगी। कितना नमक डालना है आपने? थोड़ा सा नमक, चले जी आधा चम्मच नमक डाल दिया। अब इसको ज़ैनब जो है वो पानी के साथ मिक्स मिक्स करेंगी। ये पानी डाला ज़ैनब ने सारा, ज़ैनब कह रही सारा पानी डालना है, ठीक है, आधा आधा कप था, सारा डाल दिया। अब ज़ैनब इसको मिक्स मिक्स करेंगी। ज़ैनब कह रही है इसको मिक्स मिक्स। हो गया मिक्स? चलिए जी, अभी ज़ैनब इसको जनाब आपको पकाने का तरीका बताएंगी। ज़ैनब अभी क्योंकि छोटी है तो थोड़ा सा उससे वो सफाई का थोड़ा इशू आता है उसको, लेकिन इसको शौक है कुकिंग का। हाँ जी, गिर गया? अच्छा मैं सफाई कर देती हूँ, थोड़ा सा घन गिर गया था इसको मैंने साफ़ कर दिया। ज़ैनब चले जी, ये हो गया साफ। हाँ जी, अब आप क्या करेंगी जी? तवे ऊपर डालेंगे, ठीक है जी। अभी ये ज़ैनब जो, अच्छा ऑयल डालेंगी, कितना ऑयल डालना है? थोड़ा सा ऑयल डाल दिया ज़ैनब ने। चलें जी, ये देखिए थोड़ा सा ऑयल डाला, बस वो आएगा ना इधर। चलें अब क्या करेंगी आप? ये डालेंगे। अच्छा जी, ये जो मिक्सर बनाया है इसने, ये डालेगी जी ना आप इसके ऊपर, कैसे एक्सपर्ट तरीके से डाला है। चलें जी, अब क्या करेंगी आप? गोल गोल करेंगी, तो करो गोल गोल। देखिए इसको पता है चम्मच को छनका के उठाना है ताकि ड्रॉप्स ना गिरे, इतनी इंटेलिजेंट है ये मेरी बेटी, है ना। अच्छा जी, ये ज़ैनब देखिए कितने माशाल्लाह एक्सपर्ट तरीके से गोल गोल कर रही हैं ज़ैनब पूड़े को, शली को। ये देखें जी, ये देखें जी, वाह जी वाह, ज़ैनब तो पूरी मुझे लगता है 2-3 महीनों में शेफ हो जाएगी पूरी। और क्या क्या पका लेती हैं आप? आलू खाते, और केले खाते, और चाय, चाय भी पका लेती है। तो कल क्या बनाएंगी आप? कल चाय और अंडा, चाय और अंडा बनाएंगी ज़ैनब कल। और ये देखें जिसने ये गोल गोल कर लिया सारा। चलें जी, बस जी, चाय ये गोल गोल हो गया है। अभी इसको ज़ैनब वेट करेगी इसके पकने का, यहाँ से जब ये वाला कलर भी ऐसा आ जाएगा तो फिर ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो जी ज़ैनब, आप स्कूल जाती हैं? क्यों? छोटा छोटा हो आप? अच्छा, कितनी एज है आपकी? 3 एज है, 4 एज है आपकी? अच्छा, ये जी 4 इयर्स की वैसे नहीं हुई अभी, ये अभी 3-11 की हो गई है। नेक्स्ट मंथ इसकी बर्थडे है। अब आपने बर्थडे कहाँ करनी है अपनी? हम वहाँ खाना खाने गए थे। वहाँ कहाँ खाना खाने गए थे आप? मुझे पता, नाम नहीं आता आपको? अच्छा अच्छा जी, ज़ैनब एक जगह पे खाना खाने गई थी, ज़ैनब को वहाँ पे बहुत अच्छा लगा खाना खा के, बहुत अच्छा लगा था। क्या अच्छा लगा था आपको वहाँ पे? खाना, खाना ज़ैनब को वहाँ पे खाना बहुत अच्छा लगा था, तो ज़ैनब ने डिसाइड किया कि ज़ैनब अपनी बर्थडे वहाँ पे करेगी, है ना। अच्छा जी, क्या क्या होगा आपके बर्थडे में? चिप्स, पानी, पानी, चिप्स, चीची ज़ैनब ने खाया था वहाँ पे। चलें अभी और क्या करना है? अभी क्या करने लगी ज़ैनब? अच्छा जी, शली देखिए एक तरफ से पक गई है और ज़ैनब इसको करेंगी जी टर्न। ज़ैनब ने ऐसे पहले इसको थोड़ा थोड़ा हिलाया,
इधर से थोड़ा सा हिलाया और देखो हो वाह जी वाह, ये तो सारी हिल गई जैनब, वाह जी वाह। अब जैनब इसको टर्न करने लगी हैं, जैनब ने पकड़ा तो ऐसे, ओ यस बच गया मैं तो, पर टूट ही जाएगा ये। ले जी जैनब ने ये टर्न कर दिया है और जैनब बहुत खुश है। असल में जैनब बहुत छोटी है अभी, तो वो नीचे स्लैब पे जब खड़ी होती है तो वो यहाँ तक पहुँच नहीं सकती, तो वो बेचारी स्लैब के ऊपर ही चढ़ के बैठ जाती है लेकिन फिर मैं साथ खड़ी हो जाती हूँ कि कहीं जल ना जाए। बड़ी खुश है, उसका रास्ता बन रहा है। तो ये कौन कौन खाएगा? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला कौन है? मामा का अब्दुल्ला है। अच्छा जी, मेरा छोटा बेटा है, उसके लिए बना रही है नाश्ता। और ये जैनब की शैली हो गई है तैयार, इसने ऑयल पहले तवे पे लगा दिया था और इसकी शैली बिल्कुल रेडी हो गई है। अब इसको ये निकालेगी जनाब प्लेट के अंदर, तो एक मिनट आपको दिखाती हूँ, एक मिनट सब करो जैनब। चले जी, जैनब ये कर रही हैं जनाब अपनी शैली को प्लेट में निकालने की तैयारी। और ये आपने क्या लगाया? टिशू पेपर। टिशू पेपर जैनब ने रखा है, क्यों लगाया बेटा आपने? हाँ जी जी, एक्स्ट्रा ऑयल है सारा इसके ऊपर आ जाएगा, ताकि जैनब की जो वो है ना, ये जनाब शैली जैनब ने उतारी और ये जनाब जैनब की शैली हो गई तैयार। इसके ऊपर रख दूँ? अच्छा मैं रख देती हूँ ऐसे जनाब, ये इसके ऊपर आ गई, ये जी शैली जैनब की तैयार हो गई। ये रहे जी जैनब की शैली है तैयार और जैनब नाश्ते के लिए तैयार है। अब व्यूअर्स, अगर आपको जैनब की ये शैली या पूड़ा नमक वाला अच्छा लगे तो जैनब को बता दीजिएगा। ओ जैनब कह रही है लाइक कीजिएगा, वाह चलें ठीक है, थैंक यू सो मच, ओके बाय 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 बाय, अल्लाह हाफिज़।